हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग क्या है। ये आपका स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर का एक सेपरेट चैप्टर है सैम्पलिंग। तो छोटा सा ही चैप्टर है, इसको देख लेते हैं, शायद 2 वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले सैम्पलिंग होता क्या है। इट इज अ टेक्निक इन विच सैम्पल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट शोइंग एनी फेवर और बायस। है ना कि आपको आपको कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको काफी ज्यादा जो जो आपने उनको ऑर्डर किया हुआ था कुछ बनवाने के लिए, जैसे कि 1,000 प्रोडक्ट है या 10,000 है इस तरीके से कुछ, और आपको चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। तो उनमें से आप एक एक लोट, उस पूरे में से आप कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो पूरे लोट साइज में से। मान लो कि 100 सेलेक्ट कर दिया आपने 10,000 में से, ठीक है, 10,000 से 100 सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से आप चेक करोगे, इनको आप चेक करोगे, ये सारे चेक करेंगे हम इनमें से, तो उसमें देखेंगे अगर वो डिफेक्ट से कम हो गया जो हमें, मतलब एक मैं बता दूंगी मैं आपको, एक्सेप्टेंस नंबर होता है हमारा एक, जैसे कि सी एक एक्सेप्टेंस नंबर है और ये हमारे सैंपल साइज है ये। अगर वो उसे कम हुआ तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरा पूरा, नहीं है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से सैंपलिंग, ये जो हम नॉर्मली सैंपलिंग को भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो किसी कंपनी में प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है और ये हम अपने घर पे कुछ चीज लेने के लिए यूज करते हैं, बाकी दोनों सेम ही है सैम्पलिंग। इस एग्जाम्पल से आप हमेशा सैम्पलिंग को याद रखना, पहली चीज। अ गुड सैम्पलिंग प्लान, सबसे अच्छा सैम्पलिंग प्लान क्या होगा, इज नेसेसरी फॉर इंस्पेक्शन एट द लोवेस्ट कॉस्ट दैट विल प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइटम। लोवेस्ट कॉस्ट पे होना चाहिए और हमें जो जो आइटम है वो भी अच्छा मिलना चाहिए, वो सबसे बेस्ट सैम्पलिंग प्लान होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया सैम्पलिंग सैंपल साइज एन और एक्सेप्टेंस नंबर है सी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, इज एन इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वेयर आ रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ लॉट एंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ अप्राइजिंग द सैम्पलिंग द लॉट विल आइदर बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होती है, एक स्टेटिस्टिकल जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका ही एक फील्ड होता है जिसमें हम एक लॉट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसमें रिजल्ट करते हैं अगर वो उसको रिजेक्ट करना है कि सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो ये जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बोलते हैं। अब एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हमारे पास 3 प्लान होते हैं, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग और मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। अब ये देखते हैं कि अलग अलग ये होता क्या है, काफी सिंपल सा है, वो एक एग्जाम्पल आपको पता चल गया तो ये तो पता ही चल गया कि सैम्पलिंग होती क्या है। तो ये काफी सिंपल सा है, ये जो तीनों है टर्म्स देख लो क्या होता है। सिंगल सैम्पलिंग प्लान का क्या मतलब है, व्हेन अ डिसीजन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लॉट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन सैंपल, सिर्फ एक सैंपल के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो लॉट लेना है कि नहीं लेना, इसको हम बोलते हैं सिंगल सैम्पलिंग प्लान। क्योंकि क्या है कि एक्चुअली एक सिंगल लेने से काफी ज्यादा सिंपल भी हो जाता है और एक्सपेंसिव भी इतना नहीं होता, क्योंकि अगर आप ज्यादा चेक करेंगे, ज्यादा सैम्पलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो ये जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है और इजी हो जाता है, इसलिए मतलब इसलिए इसको हम नॉर्मली सिंगल सैम्पलिंग को मतलब लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आती है, इसके साथ में जो काम करना पड़ता है वो भी कम करना पड़ता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिस्क फैक्टर रहता है, मतलब इसमें ये एक ही बार हम सैंपल लेते हैं, एक ही बार के सैंपल से हम डिसाइड करेंगे लेना है नहीं, तो इसके अंदर रिस्क रहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पुअर क्वालिटी भी आ जाए। अब हम ग्रेप्स ले रहे हैं उसमें जो हमने चेक किया था, या कई बार ऐसा होता है कि वो जो शॉप वाला होता है वो खुद अपने हाथ से चेक कराता है कि वो खुद उसने खुद ने तोड़ के दे दिया, अच्छा वो तो मीठा निकला है लेकिन जो हम लेके आए हैं वो खराब निकला है, ये भी तो होता है। तो उसमें हमारे पास रिस्क रहता है कि पुअर क्वालिटी भी आ सकती है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि किस्मत खराब है कि जो पीस उसने हमें दिया था वही पीस खराब था, बाकी उसके पास अच्छे थे, तो उसमें उसके लिए रिस्क हो जाएगा कि एक अच्छी क्वालिटी थी और फिर भी वो रह गई। तो इसमें एक रिस्क फैक्टर थोड़ा सा रहता है, बट ये थोड़ा सा सिंपल है, इजी यूज है, लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास 10,000 का ये पूरा प्रोडक्ट है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है, इसमें से मैंने 100 के सैंपल्स को निकाला, ये सैंपल साइज है मेरा जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास लॉट साइज का कैपिटल है, स्मॉल सैंपल साइज था ये। अब मेरा जो एक्सेप्टेंस नंबर है उसको मैंने डिसाइड कर लिया 5, जो सी है वो यहाँ पे 5 है, मतलब अगर मेरे डिफेक्टिव्स इसके अंदर, इस ये जो मैं चेक करूँ, ये हम सारे चेक करेंगे, ऐसा नहीं इसमें से भी कुछ रैंडम करेंगे, इसमें हम सब चेक करेंगे। अब वो सब चेक करें, चेक करते करते अगर मेरे जो डिफेक्टिव है, जो भी डिफेक्टिव यहाँ से निकल के आएंगे, अगर वो लेस देन 5 है, मतलब अगर यहाँ पे जो डिफेक्टिव पीस निकले इस पूरे में वो 3 निकलते हैं, तो ये लॉट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं इस पूरे को प्रोडक्ट को जो है वो जो मैंने इसको ऑर्डर दिया था वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर जो मेरे डिफेक्टिव आइटम है वो ग्रेटर देन 5 हो गए, मतलब अगर इसके अंदर 6 आ गए, तो ये पूरा का पूरा लॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी। अब ये जरूरी भी होता है कि जो भी बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, उसको ध्यान रखना चाहिए, आगे से वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि उसका इतना नुकसान हो सकता है तो वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, इसलिए ये चीजें जरूरी है कि इससे उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी।
आगे के लिए उसको पूरा अच्छे से सबक मिल जाएगा कि इतनी लापरवाही चीज में ना करी जाए, क्योंकि पता नहीं हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी छोटी सी लापरवाही पता नहीं कहाँ वो पार्ट यूज होगा और वो कहाँ नुकसान कर सकता है हमें। ठीक है, तो ये सिंगल सैम्पलिंग है, इसलिए सब हम एक ही बार सैम्पलिंग करते हैं, एक एक सैंपल निकाला, उसको चेक किया, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, दैट्स इट। सो दिस इज सिंगल सैम्पलिंग। और डबल सैम्पलिंग में क्या हो जाता है, डबल सैम्पलिंग में हम जो जो हमारा सैंपल है उसको दो बार सेलेक्ट करते हैं। देखो, डबल सैम्पलिंग प्लान, इन अ डबल सैम्पलिंग प्लान द डिसीजन ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लॉट इज बेस्ड ऑन टू सैंपल्स। इसमें हम दो सैंपल लेते हैं। अब देखिए इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बोल दिया है, मेरे पास ये 10,000 का पूरा प्रोडक्ट की जो लॉट था पूरा 10,000 का था, इसमें से मैंने जो है सैंपल साइज लिया 100 का। ठीक है, अब इसमें हमें दो बार सैंपल, टू सैंपल्स के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें क्या होता है, मैं दो नंबर, दो लिस्ट करती हूँ इसमें, एक C1 और एक C2। ये जो मेरा एक्सेप्टेंस नंबर है C1, ये मेरा एक्सेप्टेंस नंबर है C2। मतलब मैंने इसको ये बोल दिया C1 5 है और C2 मेरा 10 है। ठीक है, अगर जो जो प्रोडक्ट है इसके अंदर मैंने किया और जो भी डिफेक्टिव्स हैं, मतलब डिफेक्टिव जो है वो less than 5 हो गए, इसका मतलब डिफेक्टिव 3 है या 4 है, मतलब less than 5 है, तो पूरा का पूरा जो लॉट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें से जो डिफेक्टिव है वो greater than 10 हो गए, greater than 10, मतलब अगर इसके अंदर अगर 11 भी हो गए तो पूरा का पूरा जो लॉट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हो गया तो, मतलब इसके अंदर जो डिफेक्टिव है वो मेरा लॉट आ गया, डिफेक्टिव जो निकले हैं वो 5 और 10 के बीच में आ गया, मतलब मैंने देखा तो इसके अंदर जो डिफेक्टिव थे वो 6 थे, तो इस टाइम पे अगर उनके बीच में डिफेक्टिव आ जाते हैं उनके कि भाई अभी नहीं पता ना कि अब कितना होगा, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो इस टाइम पे प्रोसेस क्या है इसके आगे की, कि ये 100 तो आपने निकाल लिया, इसमें से इसमें बचे कितने हैं, 10,000 में से अगर 100 निकल गए तो आपके पास में प्रोडक्ट बचे हैं 1,900। ठीक है, इतने बचे हुए हैं, इसमें से आप एक और सैंपल साइज को लोगे, जैसे ये 100 था N1, यहाँ पे कुछ डिफरेंट ले लिया हमने, मान लो 90 का स्लॉट ले लिया। अब इस 90 में से आप सेलेक्ट करोगे जो आप डिफेक्टिव आइटम्स है ना, वो देखोगे इन पीसेज में से, जो आपने N2 सेलेक्ट किया है ना, इनमें से इसको मिलाओगे नहीं तो अलग हो चुका है, इसमें से आप ये सेलेक्ट करोगे कि अब जो डिफेक्टिव है वो कितने आ रहे हैं। अब मान लो इसके अंदर जो डिफेक्टिव आएंगे वो पहले वाले लॉट में जो डिफेक्टिव आए हुए हैं, क्योंकि 6 हो गया ना ये, तो ये आ चुके हैं, ये तो मैंने आपको बताया था क्या क्या एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का चांस है। अब ये आए हुए था, मैंने इसमें देखा कि इसके अंदर तो 6 आ चुके हैं, ये मेरे पास D1 हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँ, इसमें से मैंने डिफेक्टिव देखा, इसमें से मैंने डिफेक्टिव देखा, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है डिफेक्टिव आ गया D2। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि जो D1 है और प्लस D2 दोनों के जो डिफेक्टिव है वो, अगर वो फाइनल मेरे 10 से कम है, फाइनल मेरा जो एक्सेप्टेंस नंबर था वो 10 था या उसके इक्वल भी है, तो मैं इस लोट को एक्सेप्ट कर लूंगी। मतलब उसमें मेरे 6 थे और अगर यहाँ पे 3 आ गए इसके अंदर तो टोटल 9 हो गए, या फिर 4 आ गए तो टोटल 10 हो गए, तो ये लोट एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर जो डिफेक्टिव आ रहे हैं वो उनका दोनों का सम है, D1 ऊपर वाले का भी और इसका भी, अगर वो greater than 10 है तो लोट रिजेक्ट है। मतलब उसके अंदर 6 निकल के आ गए थे, तो ये तो पॉसिबल बनता ही है ना, हम ये सोचते हैं कि उसमें 6 आ गए थे तो चलो इसमें 5 आ जाएंगे, तो 6 और 5 11 11 आते ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब चांस है इसके अंदर कितने आने चाहिए, या 3 आ गए, 2 आ गए, इस तरीके से कि टोटल जो है वो इसका 10 से कम होना चाहिए, जो उसकी मैक्सिमम अपर लिमिट थी उससे, तो लॉट सेलेक्ट होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। और टू सैम्पलिंग प्लान है ये होता है। अब ध्यान देने के जो पॉइंट है वो कंफ्यूजन पॉइंट क्या होता है, मैंने तो ये नंबर से बता दिया 100 है 100 है, उसमें क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा N2 हो जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम लेते हैं, अगर ये टोटल साइज N है कैपिटल N और ये अगर N1 है, तो ये जो टोटल मैंने यहाँ पे लिया वो N-N1 है, फर्स्ट पॉइंट। ये जो आप स्लॉट साइज लेंगे, सॉरी सैंपल साइज लेंगे, वो N2 आएगा, ये दिस इज D1, यहाँ पे जो आएगा D2, और जो टोटल है D1 प्लस D2 वो मैक्सिमम सैम्पलिंग नंबर है जो C2, उससे कम होना चाहिए तब एक्सेप्ट होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन किया है और नंबर से किया है ताकि आपको सारे चीज क्लियर हो, N1 N2, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैं इसलिए ज्यादा फोर्स कर रही हूँ कि डायरेक्ट कहीं ना पूछा जाए तो यूज हो सकता है ये डबल सैम्पलिंग प्लान एक्चुअली में होता क्या है। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप इसको सुन के एक किसी सेपरेट पेज के ऊपर इसका फ्लो चार्ट बना लेना। फ्लो चार्ट इन द सेंस, फर्स्ट आपने कोई भी लोड साइज था उसमें N1 लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे इस तरीके से उसका चार्ट बनाओ कि अगर जो N1 स्मॉल हमने जो सॉरी जो हमारा एक्सेप्टेंस डिफेक्टिव आए हैं, ये स्मॉल एन था, सैंपल साइज आपका C1 हो गया, अगर D1 जो है वो greater than C1 है या less than C1 है तो क्या होगा, D1 greater than C1 है तो क्या होगा, उनके बीच में होगा तो क्या होगा, उसके बाद हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। और ये इस तरीके से जो पूरा फ्लो चार्ट है वो अपने नोटबुक में बना लो, अगर खुद से अपने हाथ से वो फ्लो चार्ट बनाओगे तो इसको कभी नहीं भूलोगे।
ठीक है, तो कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, पेन तो आपको चलाना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान. मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान क्या हो जाएगा, इन दिस प्लान अ डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लॉट इज टेकन आफ्टर इंस्पेक्टिंग मोर देन टू सैंपल्स. इसमें क्या होता है कि आपको दो से ज्यादा सैंपल्स को आप का इंस्पेक्शन करते हो आप, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि उस लॉट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है. सिंपल है ये, आपका दो से ज्यादा इसको लेते हो, बस यही है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान. तो इसमें अगर हम देखें कि सबसे बेस्ट कौन सी है, तो सबसे बेस्ट जो है वो आपकी ये आपका ये डबल सैम्पलिंग है. इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी सीक्वेंस क्या है. तो डबल सैम्पलिंग है सबसे अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल और मल्टीपल. और उसके बाद में आपकी आ जाएगी मल्टीपल सैम्पलिंग, मल्टीपल सैम्पलिंग, और उसके बाद है आपकी सिंगल सैम्पलिंग. ये इसकी सीक्वेंस रहती है, तो आपको ये सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए इसकी क्या होती है. ऐसे एक सिक्वेंशियल सैम्पलिंग भी होती है, वो एक इसका सैम्पलिंग प्लान नहीं है, बट ऐसे जनरल आप सुन लो. सिक्वेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान. जो मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान है उसी का एक एक्सटेंशन है. मतलब उसके अंदर आप जो आइटम्स है उनको सेलेक्ट करते हो और फिर देखते हो टाइम पे हर हर का जो है इंस्पेक्शन करोगे. अगर वो उस मतलब डिसीजन उसके अंडर आ जाता है तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो रिजेक्ट कर लिया. मतलब आप उसको बार बार सेलेक्ट करते ही रहोगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, तो जो भी है वो सीक्वेंस चलती रहेगी. ठीक है, और इसमें ये फिक्स है कि दो से ज्यादा ही होगा, मोर देन टू सैंपल्स. वो थोड़ा सा बस ऐसे ही बता देता, टर्म आ जाती तो बताना चाहिए कि हाँ ऐसी सिक्वेंशियल सैम्पलिंग नाम की भी कुछ चीज होती है. वो एक तरीके से मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान का ही एक एक्सटेंशन है बस, और कुछ नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्लान क्या है. इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, AOQ से रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल और एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क. वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये मान लीजिए क्योंकि उसमें से क्या है कि क्वेश्चन आपका आया हुआ है. अगर आप देखेंगे कि जो 2017 आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अगर कहीं करी भी है तो 2017 में उससे क्वेश्चन आया हुआ है जो AOQ था, और जो AQL वाला जो टॉपिक है उससे. तो मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वही लूंगी मैं, AOQ वाला, तो इम्पोर्टेंट है और उस वीडियो को प्लीज मिस मत करना. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इसको शेयर करो, ताकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं. एक जो बैरियर है, जो क्राइटेरिया है, उसको क्रॉस करना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी. सो प्लीज आप शेयर करें इसको जितना पॉसिबल है और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.